हमारी स्वतंत्रता की अमृत वर्षगांठ 15 अगस्त को समाप्त हो रही है। इसी पृष्ठभूमि में नागपुर जिले के संरक्षक मंत्री डॉक्टर के एस नितिन राउत ने नागपुर जिला कलेक्टर आर विमला से मुलाकात की। इस पहल को हर भारतीय के मन में स्वतंत्रता संग्राम की स्मृति रखने, देश के लिए बलिदान देने वालों को याद करने और देशभक्ति के साथ कृतज्ञता की भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किया जाना चाहिए। राउत ने कलेक्टर को भेजे पत्र में कहा कि उन्होंने इस नवोन्मेषी पहल को पूरे जिले में सफल बनाने के लिए और हर इच्छुक नागरिक की भागीदारी पाने के लिए जल्द ही एक अलग ऐप विकसित किया जाना चाहिए ताकि हर कोई इसमें अपना नाम दर्ज करा सके। इस अभियान की सफलता के लिए जिले के सभी शासकीय, अर्धशासकीय, निजी प्रतिष्ठान, सहकारी समितियां, शिक्षण संस्थान स्वेच्छा से अपने भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराए और नागरिकों को स्वेच्छा से अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहिए। साथ ही स्थानीय स्वयंशासी निकाय, पुलिस, स्कूल और कॉलेज, परिवहन, स्वास्थ्य केंद्र, उचित मूल्य भोजन की दुकानें, सहकारी समितियां और आम आदमी से निपटने वाली अन्य संस्थाएं इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, ऐसा राउत ने अपने पत्र में कहा। एनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक मानसिक रिपोर्ट।